Hello students, good morning to all of you. So here I am going to discuss this problem number 24, HC Verma chapter 2, Physics and Mathematics. So let's start with the problem. Find the area bounded under the curve. So this is the equation or this is the curve given to us. Y is equal to 3x square plus 6x plus 7 and the x-axis with the coordinates x equal to 5 and x equal to 10. So basically hame इस गिवन कर्व के अंडर जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. एरिया इज सिंपली ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द गिवन इक्वेशन और द गिवन कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो दिस एरिया इज सिंपली वाई डी एक्स विद इन द प्रॉपर लिमिट्स. जो लिमिट्स हमारी वो है 5 से लेकर के 10. सो विल सिंपली इंटीग्रेट दिस एंड गेट आर एरिया. सो इसको लिखेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 एंड मल्टीप्लाई विद डी एक्स. और यहाँ पर लिमिट्स हैं 5 से 10 हमारे पास. सो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स. ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx प्लस 6x dx प्लस 7 dx. ओके, और लिमिट्स हैं 5 से 10. देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इंटीग्रेट करते हैं. 3x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx की आएगी x क्यूब अपॉन 3 प्लस x dx की आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2 और 7 dx का आ जाएगा 7x. सो जो लोअर लिमिट है हमारे पास वो 5 है और अपर लिमिट जो है वो 10 है. सो इट इज इक्वल टू 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो रहा है. सो 2 3 जा 6 देयर. सो व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग इट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x और लिमिट्स आर 5 से 10. सो वी पुट द अपर लिमिट देयर. सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10. सो दैट इज़ आफ्टर पुटिंग द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी पुट कर लेते हैं. सो इट इज़ लाइक 5 का क्यूब करेंगे तो 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5. सो इसे आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. ये अपने पास बन जाएगा 10 का क्यूब आ जाएगा 1000. सो इट इज़ 1000 प्लस इट इज़ 100 इंटू 3 दैट इज़ 300 प्लस 70 माइनस 5 का क्यूब है 125 बनेगा प्लस इट इज़ 25 75 बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस 35. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये 1370 बन रहा है माइनस इट इज़ यू नो ये बन जाएगा हमारे पास 275 35. ओके, दिस इज़ 5. सो 125 प्लस 75 और ये बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास 200 and 235. सो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो विल सिंपली सॉल्व दिस. ये आ जाएगा हमारे पास 1370 माइनस 235. सो 35 35 70. सो इट इज़ 1135. सो 1135 यूनिट्स इज़ द आंसर फॉर दिस एरिया. सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. इस प्रॉब्लम में भी हमें एरिया निकालना है एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन x और जो हमारा लिमिट्स हैं वो है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई तक. सो इस तरह से एज वी नो दैट दिस इज द साइन कर्व. सो दैट इज हमें इसका एरिया निकालना है. ओके, दैट एरिया हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम 0 से लेकर के पाई तक. ओके, यहाँ से होता है 0 से पाई, यहाँ तक होता है 2 पाई. सो हमें 0 से पाई तक का जो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस y इज इक्वल टू साइन x कर्व है ये कैलकुलेट करना है. तो अगेन वी विल सिंपली इंटीग्रेट एंड गेट द एरिया. सो एरिया ऑफ दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू x कैन गिव अस द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू x कैन गिव अस द एरिया. सो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिंपली एरिया इज इक्वल टू y dx एंड वी विल इंटीग्रेट दैट. इट इज साइन x dx और हमारी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो है 0 से लेकर के पाए. ओके, सो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज बेसिकली माइनस कॉस एक्स एंड जो लिमिट्स हमारी वो है 0 से लेकर के पाए. तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास माइनस को बाहर लिख लेते हैं. देन वी पुट द लिमिट्स और इट इज बेसिकली कॉस पाए माइनस लोअर लिमिट इज कॉस 0. ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस 180. कॉस 180 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स माइनस 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर माइनस 1 माइनस माइनस 1 इज माइनस 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो द एरिया दैट इज सिंपली 2 इज द आंसर
for this question. Thank you very much.